देखो बेटा, इस सवाल में आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है x बराबर 2t² - 4t³। फाइंड क्या करना है, टाइम करना है, कब करना है, कंडीशंस क्या है, व्हेन द एक्सीलरेशन इज जीरो। काम बन गया। आपने कहा सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है, एम एल राइट। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, 2 दुनाई 4, टी एक कम हो जाता है, -4 * 12, पावर एक कम हुई t². मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी थ्योरी वाले डिफ्रेंशिएशंस की जो थ्योरी दी है, डिफ्रेंशिएशन फॉर नीट, जरूर देखें। ये बेटा आपको वेलोसिटी मिल गई, आप बड़े खुश हो गए कि एक स्टेप बढ़ा है। आपको चाहिए क्या, टाइम चाहिए, एक्सेलेरेशन इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप जानते हैं, लिख देता हूँ भाई, dy/dt ऑफ वेलोसिटी की जगह पूरा वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। इसको खोल देते हैं, dy/dt ऑफ 4t - dy/dt ऑफ 12t², ये आपकी एक्सेलेरेशन हो गई। एक्सेलेशन क्या हो गई, आप देख रहे हैं 4t का डिफरेंशिएशन 4 होता है और 12t² का, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24, पावर एक कम t हो गई। एक्सेलेशन क्या करना है बेटा, जीरो करना है, तो आपने जीरो कर दिया। इसको इधर ले गए तो 24t बराबर 4 के, इसलिए t बराबर 4/24 डिवाइड कर दीजिए 1 * 4 = 24, यानी कि टी बराबर 1/6 सेकेंड पे एक्सीलेशन बॉडी की जीरो हो जाएगी और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा।